वेलकम टू DNP इंडिया। पंडित जसराज का सोमवार को 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। वह तीनों पद्म पुरस्कारों, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक थे। 8 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में छाए रहे पंडित जसराज मेवाती घराना से ताल्लुक रखते थे। पंडित जसराज के संगीत सफर का आगाज 3 साल की उम्र में ही हो गया था। उन दिनों उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का रिकॉर्ड निकला था, पिया बिन नहीं आवत चैन। उसमें एक सरगम थी, उसी सरगम को जसराज चलते फिरते हमेशा गाते थे। पिताजी अक्सर उसे गाने को कहते। आमतौर पर संगीत में कई गलती पर गुरु नाराज होते हैं, लेकिन उनके पिता उनकी गलतियों पर नाराज नहीं होते थे, वह हंसते थे। 30 नवंबर 1934 को उनके पिताजी को हैदराबाद रियासत का संगीतकार नियुक्त होना था। शाम 4 बजे उनका कार्यक्रम था। उसी दिन सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 6 साल की उम्र में जसराज ने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल के रास्ते में एक रेस्तरां बढ़ता था, वहाँ रोजाना बेगम अख्तर का रिकॉर्ड, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे, बजता था। वह स्कूल ना जाकर वहीं बैठकर उसे सुनते थे। उनके बड़े भाई राजा भैया रोजाना स्कूल जाने को कहते, वे टाल जाते। ऐसे करते करते महीनों गुजर गए। उस उम्र में भी उनमें संगीत की दीवानगी इस कदर थी कि उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। वह घर पर तबले को यूं ही पीटते थे। यह देखकर मंझले भाई पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें तबला बजाना सिखाना शुरू किया। कम उम्र के बावजूद वह अच्छा बजाते थे। यह देखकर उनके बड़े भाई और गुरु पंडित मणिराम ने उन्हें अपने साथ तबले पर संगत में रखना शुरू कर दिया, जबकि दोनों भाइयों में 20 साल का अंतर था। पंडित मणिराम अच्छे गायक थे। उस समय घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तबला बजाने से थोड़ी आमदनी हो जाती थी। 14-15 बरस की आयु तक उन्होंने बड़े भाई के साथ तबला बजाया। दिखा भक्ति का मार्ग। जसराज के चाचा पंडित ज्योतिराम भी बहुत बड़े गायक थे। वह अहमदाबाद में रहते थे। वहां गाने के शौकीन लोगों को चाचा ने बता रखा था कि उनका भतीजा पंडित मणिराम बहुत अच्छा गाता है। हालांकि उस समय उनके भाई की आवाज उस समय खराब हो चुकी थी, उनके वोकल कॉर्ड में दिक्कत थी। डॉक्टर उनके गले पर शॉक लगाता था, तब 2 घंटे आवाज सही रहती थी। वहीं उनकी मुलाकात सारंद के महाराजा जयवंत सिंह वाघेला से हुई। एक दिन राजा साहब बोले, पंडित जी आज देवी माँ आपको आवाज देगी, रात 12 बजे नहा धोकर मंदिर आ जाइए। उनके साथ जसराज भी थे। संगीत की पूरी तैयारी थी। राजा साहब की शर्त बस इतनी थी कि पंडित मणिराम सिर्फ ईश्वर के नाम पर गाएंगे। उस रात वाकई कमाल हुआ। वह रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार साफ आवाज में गाते रहे। उस दिन जसराज का साक्षात्कार 2 गुरु से हुआ, पहला उनके संगीतज्ञ गुरु व बड़े भाई पंडित मणिराम और दूसरे आध्यात्मिक गुरु जयवंत सिंह, जिन्होंने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से अमेरिका से मुंबई लाया जाएगा। विमान मंगलवार दोपहर को अमेरिका के न्यूजर्सी से रवाना होगी, जो बुधवार दोपहर तक मुंबई पहुंचेगा। अंतिम संस्कार बुधवार शाम या गुरुवार को होने की संभावना है। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज, बेटे सारंग देव, बेटी दुर्गा जसराज सहित पूरा परिवार मुंबई में है। अमेरिका में रहने वाली पंडित जसराज की शिष्य मंडली विशेष विमान से ही मुंबई पहुंचेगी। इन शिष्यों में पद्मश्री तृप्ति मुखर्जी, सुमन घोष शामिल हैं। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया था। बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण से तबला वादन भी सीखा। ठुमरी और ख्याल गायन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पंडित जसराज के निधन की खबर मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पंडित जसराज जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से भारतीय संस्कृति के आकाश में गहरी शून्यता पैदा हो गई है। उन्होंने न केवल उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी, बल्कि कई अन्य गायकों के लिए अनूठे परामर्शदाता के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताजा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।